हम एक बार जीते हैं, एक ही बार मरते हैं, शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं। फिल्म कुछ कुछ होता है का ये डायलॉग आपको याद ही होगा। खैर ये तो रही फिल्म की बात, अब जरा रियलिटी में चलिए। भारत में तो यही कहा जाता है कि शादी दो आत्माओं का मिलन है, ये सात जन्मों का बंधन है, लेकिन कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जो इन तमाम बातों की धज्जियां उड़ा देते हैं। ऐसा ही एक मामला ब्राजील से सामने आया। दरअसल यहां पर एक शख्स ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि नौ नौ शादियां की हैं। खास बात यह है कि इस शख्स की नौ बीवियां साथ ही रहती हैं। लड़के का नाम आर्थर ओ उर्सो है। आर्थर पिछले कुछ वक्त से लगातार चर्चाओं में है। दिलचस्प बात यह है कि आर्थर अब दो शादियां और करना चाहते हैं। इनका कहना है कि वो 11 शादी करके सभी पत्नियों से बच्चे पैदा करना चाहते हैं। ये खबर सुनकर आप जरूर हैरान हो रहे होंगे, शॉकिंग तो है लेकिन इसमें एक ट्विस्ट और है। दरअसल आर्थर का अपनी एक पत्नी से विवाद चल रहा है और वो बहुत जल्द उससे तलाक ले लेगा। इसके पीछे का कारण ये है कि उसकी पत्नी अगाथा उस पर कुछ ज्यादा ही हक जमाती है। आर्थर कहता है मेरी 9 पत्नियां हैं, ऐसे में संभव नहीं कि मैं किसी एक का ही होकर रहूं, मेरे लिए सब बराबर है। मैं तलाक को लेकर दुखी हूं लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है, इसीलिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। आर्थर पेशे से मॉडल है और महीने के 55 लाख रुपए कमाते हैं। आर्थर कहते हैं कि अगाथा से तलाक के बाद वो दो और शादी करेंगे और फिर 10 बीवियों के साथ वो आराम से रहेंगे। फिलहाल आर्थर की एक पत्नी से उनको एक बेटी भी है। वैसे विदेशों से इस तरह के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं। इसी बीच ब्राजील से सामने आई इस अजीबोगरीब खबर पर आपका रिएक्शन क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन हमें जरूर दें।